नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और जैसा कि आपके सामने टॉप स्टोरी के अंदर में जो लाइन आ रही है, अभी 4 घंटे पहले गवर्नमेंट एक्सटेंड टू बीपीसीएल बिड डेडलाइन फॉर द फोर्थ टाइम गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया है। आगे की लाइन आपको थोड़ा सा चौंकाने वाली है। रोजनेफ्ट अरामको अनलाइकली टू बिड फॉर इंडिया बीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन। तो काफी नेगेटिव न्यूज होने वाली है। इससे पहले जब पॉजिटिव न्यूज थी, तो इस शेयर के प्राइस के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं बीपीसीएल का जो प्राइस है बेसिकली आपके सामने है, और यहाँ से देखिए प्राइस था 388, उसके बाद थोड़ा जम मारा और नीचे जाके बंद हुआ 9% के डाउन पर 351 पर। चलिए 5 दिन का चार्ट देख लेते हैं। 382, ठीक है, 368, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। क्यों? क्योंकि बिडिंग की डेट आने वाली थी और वापस से बिडिंग की डेट गई नीचे। 1 महीने के चार्ट की बात कर लेते हैं। 400 के ऊपर चल रहा था ये शेयर, 430। 6 महीने के शेयर की बात करेंगे ना, तो ये कम से कम 450 से ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर इसकी क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर वो न्यूज थी कि भैया प्राइवेटाइजेशन होने वाला है 350 पे। शेयर ऊपर भागा 100 रुपए, फिर उसकी डेट एक्सटेंड हुई, ठीक है, शेयर यहाँ आ गया, फिर वापस से एक्सटेंड हुई, शेयर यहाँ आ गया, फिर यहाँ चलते रहे भाई, डेट आने वाली, शेयर ऊपर गया, फिर शेयर की प्राइस वापस नीचे आ गया, फिर वापस डेट आने वाली और शेयर की प्राइस। तो बीपीसीएल के अंदर ही नहीं, बाकी सारे शेयर्स के अंदर भी गिरावट है। अगर मैं आपको बात करूं सपोज चेन्नई पेट्रोल पंप कॉरपोरेशन वाले की, ठीक है, अब आप ये देखें कि 1 महीने में क्या हुआ भाई, 1 महीने में फुल गिरावट है। 80 रुपये का शेयर था, 68 पे जाके खत्म हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ मैक्सिमम चार्ट की। तो अब मैक्सिमम चार्ट आप देख सकते हैं, ये शेयर यहाँ था जब पीक पर था, तो था 2017 के अंदर, 450 रुपये का यही शेयर था, ठीक है। और आज के टाइम पे शेयर आ रहा है 68 रुपीज़ का। तो मतलब कोरोना के बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि इसने कुछ बहुत ही घातक चीजें कर दी या कुछ कर दी। ये देखो कोरोना के टाइम पर ये शेयर था ऑलमोस्ट 60 रुपए के आसपास, और अभी कितना है, उतना ही है। सो ये ऊपर जाके वापस वहीं चल रहा है, इसका कोई रिकवरी नहीं है। बिकॉज हमने क्या कर दिया है, हमने बेसिकली पेट्रोल लेना, कच्चा ऑयल लेना बंद कर दिया है, और हम थोड़ा सा कंजम्पशन कम कर रहे हैं पहले की तुलना में। दूसरा, हम शिफ्ट हो रहे हैं सोलर पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल। बात कर लेते हैं एचपीसीएल की। तो एचपीसीएल के सामने भी आपके सामने 6 महीने का चार्ट है। 6 महीने के अंदर में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखिए मई के अंदर में प्राइस 172 था, उसके बाद में ये हर शेयर के अंदर में थोड़ा थोड़ा सा जम था, और वापस से वहीं लाके आपको उसने गिरा दिया है। वापस से आप वहीं आ गए जहां से आपने इसको शुरू किया था। ये देखिए एयरटेल डेट के अंदर में अगर मैं आपको बताऊँ 167, और अभी आपका है 180, 13 रुपये। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और ये मैक्सिमम चार्ट की आप बात कर लेता हूँ, सेम वही है कि भैया ये 2017 के अंदर सारे शेयर पीक पे थे, सारे शेयर, उसके बाद क्या वो गिरावट हो गई। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चीजों पे शिफ्ट हो गए हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप आईओसीएल का। आईओसीएल आ गया हमारे पास में, आईओसीएल के अंदर आप देख लीजिए 1 दिन के अंदर गिरावट, 5 दिन के अंदर गिरावट, 1 महीने के अंदर गिरावट, 6 महीने में गिरावट। भैया प्रॉफिट ही नहीं है। 73 रुपीज का शेयर था, ठीक है, 71.55 रुपीज का, और आज कितना है 74। क्या है, 1.5 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये तो मैंने आपको मई की रेट बताई है। अगर मैं आपको कोरोना वाली रेट बता देता हूँ, सपोज ये दी, हाँ लगभग इसके आसपास ही, क्या फर्क पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया, कोरोना वाली रेट से भी नीचे आ गया ये, क्या फर्क पड़ा बताओ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वही मैक्सिमम चार्ट की बात करूं, वही 2017 के अंदर सब पीक पे और वापस, सबका ग्राफ एक जैसा है, सारे पेट्रोलियम का ग्राफ एक जैसा है, क्योंकि पेट्रोल इज पेट्रोल, ठीक है। और ये लिमिटेड सोर्स है, ये ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये शेयर बाय करने से पहले आपको कहूंगा कि आप 5 बार सोचें। अगर आपके पास शेयर है किसी भी पेट्रोकेमिकल के, ये मीन्स मैं बात कर रहा हूँ IOCL, HPCL, BPCL, CPCL, और भी हैं दो चार पेट्रोल कॉरपोरेशन वाले जो हैं, तो उन सब का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम जैसा है। और मैं मानता हूं कि भाई उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो लिमिटेड सोर्स हैं। दैट्स व्हाई। चलिए आपसे एक बहुत ही सिंपल सी चीज, अंबानी, आराम को,
भैया इतना बड़ा स्टेक खरीदना चाह रहा था रिलायंस के अंदर ऑयल टू केमिकल के लिए, लेकिन अंबानी ने नहीं करी वो डील, नहीं करी। क्यों भाई, क्यों नहीं करी? इसलिए नहीं करी है क्योंकि अंबानी को पता है दिस इज नॉट द फ्यूचर। वो उसकी कंपनी को आगे लेके नहीं जा पाएगा। वो थोड़े दिन के लिए रहेगा लेकिन उससे आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये चीज शिफ्ट हो चुकी है किस में? ग्रीन एनर्जी, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इसी का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, अडानी ग्रीन। 29 रुपए का शेयर था, पता भी नहीं चला कब 750 उसने टच कर दिया। पता भी नहीं चला 750 टच। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतने गुना उसने आपका पैसा कर दिया है बेसिकली, ठीक है? तो मैं वही चीज बता रहा हूँ। तो जो ये फ्यूचर है, जो फ्यूचर है, आप उसके अंदर निवेश करें। जो प्रेजेंट रहेगा ना केवल, वो खत्म हो जाएगा। ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी कुछ दिनों बाद में। इसलिए ही तो जो गवर्नमेंट है भैया, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा ही पेट्रोल से होता था, ठीक है? अब गवर्नमेंट को कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है। सिंपल सी बात है इस चीज का, बेचना चाहती है। वो देख रही है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बिड मिल जाए उसको, मैक्सिमम बायर होंगे तो बिड अच्छी हो जाएगी। तो ये सीन है। तो गाइज ये था मेरा सारे केमिकल, पेट्रोल केमिकल वाले जो शेयर हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू। एंड आप भी स्टडी करें, आप भी थोड़ा सा देखें शेयर को। अगर आपके पास शेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयर को बेच दें, शेयर को होल्ड करें और शेयर फ्रेश बाइंग करें। मैं केवल आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, बेचना नहीं बेचना भी आपके ऊपर है। तो गैस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। एंड गैस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कोई भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं इस शेयर के बारे में, किसी भी शेयर के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना दूंगा। एक ऑलरेडी एक क्वेरी है, उसको भी हम लेंगे। और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द 1000 फैमिली।